नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 यूट्यूब चैनल। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शाम को बच चुके हैं 6 और आपको मालूम है 6 बजे हमारी रेगुलर क्लास होती है जीके की स्पेशल वीडियोस की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज शुरू की है पिछले 2 साल का, 2021 और 22 का पूरा करंट अफेयर्स ऑल एग्जाम के लिए, वो चाहे जीडी हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, आरपीएफ हो, एएलपी हो, या किसी स्टेट का एसआई कांस्टेबल, ट्रिपल एस, सीसी जेल, कोई एग्जाम हो, ये 2 साल का करंट अफेयर्स ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इस सीरीज के कुछ वीडियोस में यहां पर डाल देता हूं कभी कभी, और बाकी ओरिजिनल सीरीज चल रही है क्लास 24 एसएससी एग्जाम वाले चैनल पर। वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, 2021-22 करंट अफेयर्स के नाम की प्लेलिस्ट है। यहां पर करीब 25 से 30 वीडियोस हो चुके हैं, 10-10 मिनट के वीडियोस होते हैं करंट अफेयर्स के, वो सारे वीडियोस देख लीजिएगा। कोई और वीडियो टॉपिक छूटेगा तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कि फिर 7042633154 वाला मेरा पर्सनल नंबर है, वहां पर मैसेज कर दीजिएगा सर ये वाला नंबर नहीं हुआ है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर ये टॉपिक नहीं हुआ है, तो उस टॉपिक को आपको करा दूंगा एज सून एज पॉसिबल। क्लियर? वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। क्लास 24 और क्लास 24 एसएससी एग्जाम, ये दोनों अपने ही चैनल है, दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोनों पर रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। आपको मालूम है कि क्लास स्टार्ट करने पहले एक इंपॉर्टेंट बात, सीएचएसएल का एग्जाम 25 फरवरी के आसपास होगा और अवतार बैच जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, साइंस करंट अफेयर्स 6 टीचर मिलकर करा रहे हैं। फीस सिर्फ 999 है, 999 रुपए फीस है। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, दिए गए नंबर जो यहाँ पर इन पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं, 999 फीस है। या कि फिर आप चाहे तो क्लास 24 ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर एसएससी कैटेगरी में जाइए, फिर सीएचएसएल में जाइए, फिर अवतार में जाकर 999 में आप कोर्स को खरीद सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट अवार्ड। आपको मालूम है पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है पद्म भूषण, मैं लिख देता हूं, एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्म श्री। ये टोटल 3 पुरस्कार होते हैं। सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, फिर उससे नीचे होता है पद्म भूषण और उससे नीचे होता है पद्म श्री। इस बार टोटल जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं 128 दिए गए, 128 अवार्ड दिए गए हैं टोटल, जिसमें पद्म विभूषण की संख्या 4 है। ये चारों नाम आपको याद होना चाहिए। पद्म भूषण की संख्या 17 है और पद्म श्री की संख्या 107 है। टोटल 128 अवार्ड दिए गए हैं 2022 में। याद रखिएगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण 4, पद्म भूषण 17 और पद्म श्री 107। ये 4 नाम तो याद होने चाहिए, उसके बाद में 17 है और जो 107 नाम है, इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नाम आपको याद होना चाहिए। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम आता है पद्म विभूषण का, जो 4 अवार्ड है, 4 में से पहला अवार्ड है प्रभा अत्रे जी को, ये कला के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र की रहने वाली है, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो 4 मिले हैं उनमें से एक नाम ये है प्रभा अत्रे का। दूसरा है राधेश्याम ख्यामका जी का, ये मरणोपरांत दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश राज्य से है राधेश्याम खेमका साहब, इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। जो 4 टोटल पद्म विभूषण मिले हैं उनमें से दूसरा नंबर है राधेश्याम खेमका जी का। तीसरा आता है आपका जनरल विपिन रावत, जो हमारे पहले सीडीएस थे, जनरल विपिन रावत साहब, आप यहां पर देख सकते हैं एक प्लेन क्रैश में, हवाई क्रैश में ये देश के लिए शहीद हो गए, इनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है सिविल सेवा के लिए, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है जनरल विपिन रावत साहब। और चौथा जो पद्म विभूषण है वो दिया गया कल्याण सिंह साहब को, कल्याण सिंह साहब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया कल्याण सिंह साहब को पद्म विभूषण। तो 4 पद्म विभूषण याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों नाम याद होना चाहिए। पहला है कल्याण सिंह साहब का, दूसरा जनरल विपिन रावत का, तीसरा राधेश्याम खेमका जी का, चौथा है प्रभा अत्रे जी का। ये 4 तो याद होने चाहिए। तो 128 जो टोटल है, जो टोटल 128 है उनमें से 4, 17 और 107, इसमें से 4 याद होने चाहिए, और जो बचे के 17 और जो 107 है उसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो नाम है, जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो बता रहा हूं। याद रखना, पूरी सीरीज 2 साल के करंट अफेयर्स की, जो पूरी सीरीज है, जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, किसी स्टेट का कोई एसआई कांस्टेबल, लेखपाल, बिहार सीजीएल, सारे एग्जाम्स के लिए जो सीरीज है वो क्लास 24 एसएससी एग्जाम पे चलती है, उसमें करंट अफेयर्स की नाम की है। आप प्लेलिस्ट में आकर देखिएगा, उसमें भले एसएससी जीडी लिखा है याद रखना, बट वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में जाना, 2021-22 करंट अफेयर्स के नाम की प्लेलिस्ट, लाइन से सारे वीडियोस देख लीजिएगा। कोई टॉपिक अगर छूटे तो बेझिझक आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7042633154, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं, पद्म भूषण विभूषण हो गया, अब पद्म भूषण पद्मश्री की ओर। एक नाम है गुलाम नबी आजाद, भारत के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री,
साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद राज्यसभा के बहुत लंबे समय तक मेंबर रहे हैं, उनको भी क्या दिया गया है, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। अगला बुद्धदेव भट्टाचार्य पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है, पश्चिम बंगाल के पद्म भूषण दिया गया है। नेक्स्ट आता है राजीव महर्षि, बहुत बड़े वो है सिविल सर्विस सर्वेंट रहे हैं राजस्थान के, इनको भी क्या दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है। नेक्स्ट आता है सत्य नडेला, सत्य नडेला कौन है, अमेरिका के, आप यहां दे सकते हैं, और सीईओ है, किस कंपनी के सीईओ है जरा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, सत्य नडेला जो है कहां के हैं, किस कंपनी के हैं, ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है। अगला आता है आपका सुंदर पिचाई, जो सुंदर पिचाई यहां पे आपको दसवीं में दिखाई दे रहे हैं, इस टाइम पे गूगल के है, और ये इनको बिजनेस के लिए दिया गया है, आपके होमवर्क है, ये सुंदर पिचाई किस कंपनी के सीईओ एमडी है, इसका भी आंसर आपको वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। याद रखना ये जो इंपॉर्टेंट पोस्ट कौन किस पोस्ट में है, इसके अलग से वीडियोस कर चुका हूं, लाइन से देख लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा, और नहीं मिला तो टाइम जो हमने बनाया उसमें इस लिस्ट में ये नाम है, ये भी हम आपको करा देंगे। अगला आता है आपका साइरस पूनावाला, ये व्यापार संबंधित है और ये आपका महाराष्ट्र से, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जेके बजाज, जेके बजाज दिल्ली से है, इनको दिया गया आपका पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट आता है बाबा बालिया, ये बाबा बालिया जी हैं उड़ीसा के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको दिया गया है पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट आता है आपका खांडू वांगचुक भूटिया, ये कला क्षेत्र से है, आर्ट के क्षेत्र से है, सिक्किम के, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा बहुत बड़े प्लेयर हैं, ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए हैं, इनको दिया गया है क्या आपका पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका फैसल अली डार, ये खेल से हैं, जम्मू कश्मीर से, इनको पद्मश्री दिया गया है। अगला नाम आता है आपका खलील धन तेजवी का, ये साहित्य और शिक्षा से हैं, गुजरात से, इनको पद्मश्री दिया गया है। अगला आता है आपका ओम प्रकाश गांधी, बहुत बड़े सोशल वर्कर रहे हैं ओम प्रकाश गांधी, आपको पता होगा ओपी गांधी के नाम से फेमस है, ओपी गांधी ये हरियाणा के हैं। नेक्स्ट आता है आपका सैबाल गुप्ता मरणोपरांत, इनको साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री दिया गया है, बिहार से संबंधित है। अगला आता है आपका गोसी विदु शेख हसन, कला के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आता है अवनी लखेरा, खेल के लिए पद्मश्री मिला है, क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, अभी हाल ही में जो सीजीएल का पेपर हुआ था वहां पर क्वेश्चन पूछा था अवनी लखेरा के बारे में, और जो नीरज चोपड़ा वाला क्वेश्चन है वो सीपीओ में पूछा था। अगला आता है आपका नरेंद्र कुमार मिश्रा, जो चिकित्सा के लिए हैं मरणोपरांत, इनको ये मध्य प्रदेश के हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आता है गुरु प्रसाद महापात्रा, मरणोपरांत सिविल सेवा के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। अगला आता है सोनू निगम, इनको भी पद्मश्री दिया गया है, सोनू निगम बहुत बड़े कलाकार हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका सिद्धिलिंगैया, इनको साहित्य शिक्षा के लिए कर्नाटक का पद्मश्री दिया गया है। और अगला आता है डॉक्टर बालाजी तांबे, मेडिकल के फील्ड का, महाराष्ट्र के हैं, इनको भी पद्मश्री दिया गया है। याद रखना टोटल 120 अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें से 417 और 107 ये तीन कैटेगरी हैं। पद्म विभूषण दिया गया है 4 लोगों को, पद्म भूषण दिया गया है 17 लोगों को, और पद्मश्री दिया गया है 107 लोगों को। ये 4 के नाम तो रटे होना चाहिए आपको, एक तो ये, और ये 17 में से 4-5-6 इंपॉर्टेंट नाम, और 107 नाम में से 6-7-8 इंपॉर्टेंट नाम आपको याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास 24 एसएससी एग्जाम जो हमारा चैनल है वहां पर रेगुलर क्लास है, यहां पर भी सारी चैनल, दोनों चैनल अपनी रेगुलर क्लास हो रही है, दोनों चैनल में धुआंधार जो क्लासेस हो रही है। देखिए बाकी करंट अफेयर्स की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, 2 साल का पूरा करंट अफेयर्स मैं आपको करा रहा हूं क्लास 24 एसएससी एग्जाम वाले चैनल पर, प्लेलिस्ट है 2021-22 करंट अफेयर्स नाम की, जाके लाइन से सारी वीडियोस देख लीजिए, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। मिलते हैं शास्त्र में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।